चले स्टूडेंट्स, हमने पीछे जो है लास्ट वाले लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर एक्शन को देखा। फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के लिए हमने उसकी काइनेटिक्स ड्राइव की, मीन उसके लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू थी वो निकाली हमने। फिर हमने क्या किया, हाफ लाइफ की वैल्यू निकाली। फिर हमने साथ साथ कुछ मेन एग्जाम्पल देखे कि जो न्यूक्लियर डिके होता है वो भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एक्शन है। या फिर हमारे पास बैक्टीरियल ग्रोथ है वो भी फर्स्ट ऑर्डर एक्शन है। ठीक है, जस्ट उसमें हम बैक्टीरिया की ग्रोथ टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है, तो वो वहां पे अगर आप प्लस साइन के साथ करोगे तो वो सारी सारी इक्वेशन वही होगी, लेकिन साथ साथ क्या होता है कि वो बस हमारे पास जो है वो प्लस साइन से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रही होती है वहां पे। बाकी क्या है कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देख रहे होते हैं तो वो हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, लेकिन बैक्टीरिया के केस में क्या है, उसकी ग्रोथ जो है इंक्रीज हो रही होती है, तो वो सारा इंक्रीज के टर्म में आ रहा होता है हमारे पास। अच्छा, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं कि जो हम लेबोरेटरी में करते हैं। ठीक है, आप लोगों के तो इस सेमेस्टर में प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन जो जैसे हमारे डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री में फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको ये काइनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। पहले आप लोगों के सेमेस्टर में भी थे, लेकिन अब नहीं है, अब दूसरे एक्सपेरिमेंट है शायद। ठीक है, होता क्या है कि हमने लेबोरेटरी में कैसे मेजर कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर की भी, सेकेंड ऑर्डर की भी, या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आज हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को भी देखेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स आपको दी जा रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सॉल्यूशन के अंदर, और कुछ एग्जांपल है अगर हमारे पास गैस फेज रिएक्शन है तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन, कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है हमारे पास, मीन हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम जो है ना सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में, तो फिर जो है इसलिए हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो हम उसको देखते हैं कि कैसे इसकी डीकम्पोजिशन होती है और हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज कैटलिस्ट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कि यहाँ पे अगर कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट हमारे पास जो है वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और रेट जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड की डीकम्पोजिशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय टाइट्रेटिंग इक्वल अमाउंट और इक्वल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर अगेंस्ट स्टैंडर्ड KMnO4 सॉल्यूशन एट डिफरेंट इंटरवल्स, कि हम डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर क्या करते हैं कि रिएक्शन के अंदर से रिएक्शन मिक्सचर लेते हैं और उसके अंदर प्रोड्यूस क्या हो रहा होता है। नीचे भी एग्जांपल आनी है, नीचे भी इसकी इक्वेशन आती है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की जब डीकम्पोजिशन होती है तो ये वाटर प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है हम उसको जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, रिएक्शन के अंदर से कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए हम लोग जो है ना टाइट्रेशन करते हैं इसको अगेंस्ट हमारे पास जो स्टैंडर्ड KMnO4 सॉल्यूशन होता है। आप लोगों ने टाइट्रेशन की हुई है ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, या अगर जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने तो मे बी सेकेंड सेमेस्टर में या फर्स्ट में कहीं ना कहीं टाइट्रेशन भी की होगी। तो वो यहाँ पे डिफरेंट तरह की टाइट्रेशन होती है, कुछ होती हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ टाइट्रेशन होती है, और कुछ होती है हमारे पास एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप लोगों ने मीन, आप लोगों को पता है कि टाइट्रेशन क्या होती है एक्चुअली। ठीक है, वहां पे एक एक सॉल्यूशंस को आप जो है मेजर कर रहे होते हैं, उसके अंदर से किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर कर रहे हैं और उसको टाइट्रेट कर रहे होते हैं और इक्वेशंस लगा के आप उसकी कंसंट्रेशन मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग वही काम कर रहे हैं कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है उसको जो है ना मेजर कर लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि प्रोडक्ट कितनी प्रोड्यूस हो रही होती है। इसी की एक नीचे एग्जांपल दी जा रही है, वो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू हम निकालें और वैल्यू जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो है इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर लें। ठीक है, फिर हम लोग जो है के की वैल्यू निकालेंगे, अगर ये के की वैल्यू हमारे पास कॉन्स्टेंट आएगी तो हम ये कहेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसा कि हमारे पास क्या है, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चेंजेस आ रही है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, फर्स्टली हमारे पास क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन।
आपको पता है ये सॉल्वेंट है हमारे पास और ये सोल्यूशन फॉर्म के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होगा, तो ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन पेंटाक्साइड इज अ वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आपको कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है, वोलेटाइल क्या का क्या मतलब है, तो मे बी आप लोगों ने कहीं पहले पढ़ा हो, लेकिन वोलेटाइल वो मटेरियल होता है जो इजिली ओवेपोरेट हो सके, जिसके वेपर्स जो है ना वो जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इन CCl4 सोल्यूशन डीकम्पोज टू फॉर्म दी ऑक्सीजन गैस, के जब इसकी डीकम्पोजिशन होती है सोल्यूशन के अंदर, तो ये हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। सिंस नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर सोलेबल इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये हमारे पास सोलेबल है, लेकिन जो है साथ साथ ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही है वो तो गैस फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है, यानी कि ये इसमें सोलेबल नहीं है कि वो उसके ऊपर से ओवेपोरेट होना शुरू हो जाएगी या उसके अंदर से रिलीज होना शुरू हो जाएगी। दी रिमेन ये हमारे पास जो दूसरी चीजें हैं, हमारे पास क्या क्या है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सोलेबल है कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, तो इसका मतलब है ये हमारे पास सोल्यूशन के अंदर रहेंगी, ठीक है, ये सोल्यूशन से बाहर नहीं निकल सकती। वेयर एज दी ऑक्सीजन एस्केप आउट, कि ये ऑक्सीजन जो है सोल्यूशन के अंदर से बाहर निकल सकती है। Thus, the progress of reaction can be studied by measuring the of oxygen, measuring volume of volume of oxygen evolve from time to time. कि हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को कैसे मेजर कर रहे हैं कि कितनी ऑक्सीजन जो है उसके अंदर से escape out हो रही है, कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है। हम रिएक्शन मिक्सचर को डिफरेंट टाइम इंटरवल पे मेजर करेंगे, जैसे पहले हम क्या करते हैं, टाइम जीरो है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वहां पे देख रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 10 मिनट के बाद देख लिया, फिर 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, ठीक है, डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर को लेते हैं और इसको मेजर कर लेते हैं। इफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वी टी लिखा है उसके, किसी भी टाइम के ऊपर जो वॉल्यूम आएगा, ठीक है, वी टी। इफ वी टी इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनी टाइम टी एंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, देन अब हमारे पास क्या है कि मेरे ख्याल है वी इन्फिनिटी आएगा यहाँ पे, कि फाइनल जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या है, वी इन्फिनिट है, ठीक है, किसी भी टाइम के ऊपर क्या आएगा, वी टी, एंड देन हमारे पास क्या है, वी इन्फिनिट इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ए ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है, कि कितनी हमारे पास जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, यानी इन्फिनिट जब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है वो प्रोपोर्शनल है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन के, ठीक है, कि जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी हमारे पास उतना ही हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, तो इसलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि जितनी ऑक्सीजन रिएक्शन कंप्लीट होने पे प्रोड्यूस हो रही है वो वी इन्फिनिट होगी, और वो रिलेट कर रही है हमारे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, वी टी भी आ जाता है और वी इन्फिनिट भी आ गया, हम क्या करते हैं कि v इनफिनिट माइनस वी टी इज प्रोपोर्शनल टू a माइनस x एट अ टाइम t। अब v इनफिनिट हमें पता है a से रिलेटेड था, a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो इसलिए हम लोग a माइनस x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, v इनफिनिट माइनस v t, ठीक है, कि हमारे पास किसी भी टाइम के ऊपर ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है वो वी टी है, और v इन्फिनिट जो है वो उसका फाइनल वॉल्यूम है जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, और ये v इन्फिनिट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देखें रिएक्शन के अंदर हमारे पास इक्वेशन क्या थी, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ a ओवर a माइनस x, तो हमने a की जगह पे क्या हो गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो v इन्फिनिट के, और a माइनस x हमने निकाल लिया यहाँ पे कि v इन्फिनिट माइनस वी टी निकालने, तो ये हमारे पास क्या है उसकी अवेलेबल कंसंट्रेशन आ जाती है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी इनफिनिट माइनस टी एट डिफरेंट टाइम इंटरवल टी, ठीक है, नीचे आपको एग्जांपल दी जा रही है इसके, द वैल्यू ऑफ ऑफ के इज फाउंड टू बी कॉन्स्टेंट, ठीक है, यहाँ पे हम रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, कि अगर ये k की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो फिर तो ये हम कहेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर k की वैल्यू बहुत ज्यादा डिफरेंट आए एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए हमने वैल्यू क्या पुट करनी है, जब टाइम जीरो होगा
ये इन्फिनिट की वैल्यू, ये वी टी की वैल्यू, ये इन्फिनिट की वैल्यू कुछ और होगी जब टाइम चेंज होगा। यहाँ पे ये नीचे एग्जांपल दी जा रही है, जैसे 10 मिनट है, 15 मिनट पे जो वॉल्यूम आ रहा है कुछ और है, 20 पे कुछ और आ रहा है, इन्फिनिट पे कुछ और आ रहा है। ठीक है, जब यहाँ से टाइम पुट की वैल्यू पुट करोगे और यहाँ पे जो है वॉल्यूम की वैल्यू पुट करोगे, तो हर दफा क्या हो सकता है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन जब इधर चेंज आ रहा है और इधर भी चेंज आ रहा है, तो ऐसा चेंज जिसकी वजह से के की वैल्यू कांस्टेंट आए, तो फिर ये हम ये कहते हैं कि ये जो रिएक्शन जो है हमारे पास, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ओबे कर रहा है। क्यों हम कह रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि हम इक्वेशन ही फर्स्ट ऑर्डर की यूज कर रहे हैं। अगर हम इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की पुट करते और के की वैल्यू कॉन्स्टेंट आती, तो फिर हम कहते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि हम इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की पुट कर रहे हो और फिर हम ये कहें कि के की वैल्यू जो है कांस्टेंट है, तो हम ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, जो इक्वेशन जिस रिएक्शन के लिए हम इक्वेशन पुट कर रहे हैं, उसी के लिए अगर के की वैल्यू कांस्टेंट आती है, तो वो फिर रिएक्शन जो है वो वाला ऑर्डर जो है वो फॉलो करता है। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने आपको कि टाइम है मिनट में दिया हुआ है। टाइम कितना है, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट एंड इन्फिनिट टाइम। और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व कितना है हमारे पास, 6.38.911 और ये 34। ठीक है, इस सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर एक्शन की इंटीग्रेटेड इक्वेशन को यूज करना है। मीन जो उसकी फाइनल हमारे पास वैल्यू थी, फाइनल इक्वेशन थी, उसको यूज करना है। अब वही कह रहे हैं कि वी इन्फिनिट कितना है हमारे पास, 34.75। यहाँ पे उसने टाइम लिख लिया, टाइम 10, 20 और ये सारा आ गया, वॉल्यूम ऑफ कितना आ गया। अब यहाँ पे क्या किया, वी इन्फिनिट से वी टी माइनस कर दें। ठीक है, v इन्फिनिट हमारे पास कितना था, 34 में से पहले माइनस कर दो 6। ठीक है, तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 34 में से 8 माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ गई, और इसी तरह 34 में से ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास k की वैल्यू के लिए इक्वेशंस क्या थी, अब हमने टाइम क्या पुट करना है। जैसे इसके लिए टाइम जो है 10 मिनट है, दूसरे के लिए 15 है, और इसके अगले के लिए 20 मिनट है। अब हम वैल्यू पुट करें, इन्फिनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 34। ठीक है, सबके लिए 34 की वैल्यू आ गई। अब v इन्फिनिट में से v t माइनस करना है, हर टाइम के लिए वैल्यू कितनी है, डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे 28 आ रहा था, दूसरी वाली के अंदर 25 आ रहा है, इससे नेक्स्ट वाली के अंदर 23 आ रहा है। ठीक है, अब ये वैल्यू कम हो रही है लेकिन टाइम इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखें डिनोमिनेटर के अंदर टाइम की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, लेकिन इधर डिनोमिनेटर में ये जो है इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जब इसका लॉग भी ले लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, तो जो रिजल्टेंट है हमारे पास, उसकी अगर आप वैल्यू देख लें के की, वो कितनी है, 0.008। ठीक है, 0.008, आगे भी बल्कि कॉन्स्टेंट है 6 और 8 और 2, यानी 1, 2, 3, 4 पांचवे डिजिट के ऊपर जाके जो है पॉइंट के बाद वो कोई फर्क आ रहा है, तो ये कोई बड़ा फर्क नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि लेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है, कॉन्स्टेंट आ रही है। तो हमारे पास क्या है कि ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, हमें स्टार्ट पे नहीं पता कि ये कौन सी हमारे पास रिएक्शन है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन लेते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अगर के की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं आई, तो इसका मतलब है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को ओबे नहीं कर रहा। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लेते हैं, उसमें ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। अगर ये इसकी वैल्यू, के की वैल्यू कांस्टेंट ना आए, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर भी फॉलो नहीं कर रहा। फिर हम जाते हैं सेकंड ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, अगर वहां पे कोई इक्वेशन जो ऐसी है वो उसको फॉलो कर लेती है और के की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ जाती है, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये रिएक्शन जो क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। मीन हम इस तरह एक्सपेरिमेंटली इसको डिटर्मिन करते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या था कि जो वैल्यूज दी गई हैं उसकी वजह से जो के की वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है, तो हम ये कहते हैं ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ये एग्जांपल थी हमारे पास सॉल्यूशन फेज के अंदर। इसी तरह गैस फेज के अंदर भी रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ये ऊपर जो एग्जाम्पल आपको सॉल्यूशन में दी गई थी पहले, अब इसको जो है थर्मली अगर हीट की वजह से वो डीकम्पोज हो रहा है, तो वो गैस फेज के अंदर भी हो सकता है और प्रोड्यूस किया है वाटर एंड ऑक्सीजन। इसी तरह थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये गैस फेज में भी रिएक्शन हो सकते हैं और हमारे पास सोल्यूशन फेज के अंदर भी रिएक्शन हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ सल्फर आयल क्लोराइड इंटू सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन,
ये जो सल्फोराइल क्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन के अंदर, ये भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजो मीथेन इनटू नाइट्रोजन एंड इथेन। एजो कंपाउंड वो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन के दरम्यान में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। मोस्टली हमारे पास ये जो डाइज होती है, ये कलर मटेरियल होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरम्यान में डबल बॉन्ड होते हैं, उनको हम एजो एजो डाइज का लफ्ज कहीं सुना होगा आप लोगों ने, या एजो कंपाउंड सुना होगा, ठीक है। तो उनमें नाइट्रोजन होता है। अब इसकी जब डीकम्पोजिशन होती है तो नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है और साथ साथ हमारे पास इथेन प्रोड्यूस होता है। इन रिएक्शन की आप लोगों को वो कोई ऐसे, जैसे हमने ऊपर वॉल्यूम की वैल्यूज ली है तो उसके लिए इसको नहीं किया हुआ, जस्ट आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। इसको हम कैसे मेयर कर सकते हैं, इसी तरह मेरा ख्याल है कोई एक एग्जाम्पल ऊपर भी थी, मैं उसको चेक कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ये सोल्यूशन फेज आ गया, हाँ ओके। अब हमारे पास अगर गैस फेज रिएक्शन है तो वहां पे हम क्या करते हैं, आपको पता है सोल्यूशन में हम कंसंट्रेशन लेते हैं या उसके वॉल्यूम को चेंज हमने देखा कि कैसे कर रहे हैं सोल्यूशन में। लेकिन अगर गैस फेज रिएक्शन कोई आ गया तो हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन की जगह पे क्या कर सकते हैं कि प्रेशर को यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जस्ट वही काम किया है कि हमारे पास, हमने कंसंट्रेशन या वॉल्यूम की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को यूज कर रहे हैं, बाकी वही काम कर सकते हैं हम लोग जो हमने पहले मेयर किया, ठीक है। द रिएक्शन इन गैशियस फेज कैन बी स्टडीड बाय मेयरिंग द इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन अ रिएक्शन वेसल, ठीक है। आपको पता है कि जैसे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, स्ट्रांग होती है, तो हम ये कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसी तरह हमारे पास गैशियस फेज में हम क्या कहते हैं कि उस गैस का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन वेसल इज पी नॉट, के इनिशियली हमारे पास क्या है, पी नॉट है, एंड फाइनल प्रेशर हमारे पास कितना है एट द एंड ऑफ रिएक्शन इज पी एफ, देन नेट इंक्रीज इन रिएक्शन, हम रिएक्शन के प्रेशर को हम कैसे कर सकते हैं, पी एफ माइनस पी नॉट। तो और ये किससे रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन से, ठीक, कि फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें, या आप इनफिनिट जो पहले हमने काम किया है वी इनफिनिट लिखा है ना, या समटाइम जो नीचे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पे आप किसी और एग्जांपल में देखोगे भी समटाइम इसको लिखा होता है वी इनफिनिट माइनस वी नॉट, ठीक है। तो वो एक्चुअली रिलेट इसी से कर होता है, ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है इसी से रिलेट कर होता है। अभी हमने सुडो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखना भी है तो वहां पे मेरे ख्याल है उन्होंने वी इन्फिनिट माइनस वी लिखा होगा, तो इसलिए इसको कंफ्यूज करने नहीं करना। जस्ट वो यही है कि फाइनल जो आ रहा है, फाइनल हमारे पास कब आ सकता है कि रिएक्शन, जब हमारे पास क्या है कि वो इन्फिनिट टाइम के ऊपर हो और इसको माइनस कर दें इनिशियल से, या वी इन्फिनिट हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन से डील कर रहा है कि जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा ज्यादा हो रही होती है। तो किसी भी टाइम के ऊपर क्या होगा, प्रेशर वो टी आ जाएगा, ठीक है। तो वही इक्वेशन के इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ऑफ पी एफ माइनस पी नॉट, या समटाइम पी एफ लिखा होता है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय पी एफ माइनस पी टी, ये इक्वेशन आ गई। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या जैसे कल हमने इक्वेशन की थी कि अगर वहां पे हमारे पास क्या है कि इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन यूज करनी है, तो इंटरसेप्ट प्लस में आ रहा था और स्लोप क्या आ रही थी, नेगेटिव में आ रही थी, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और इस वाली इक्वेशन से सिंपली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। Thus, a plot of p log of p f over minus p t versus t would be a straight line to calculate the k, the rate constant from its slope. कि हम slope से उसके rate constant को निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो था हमारे पास first order action, जिसके हमने देख लिया कि solution phase के अंदर भी reactions हो सकते हैं और हमारे पास जो है वो gas phase के अंदर भी reactions होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, या इसको सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी कहते हैं। दोस रिएक्शन व्हिच ओबेज अ फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन ऑल्दो मोर देन वन मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, यानी कि हमें लग ऐसा रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही हो, तो वो हमारे पास कौन से रिएक्शन होते हैं, उनको हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, यहाँ पे हम इसको क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैरीड आउट विद द लार्ज एक्सेस ऑफ वन रिएक्टेंट विद द कॉन्सिक्वेंस दैट द रेट डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ
अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कि हमें लग रहा है कि रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन उसके अंदर से कोई एक रिएक्टेंट ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में है या रेट जो है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसके लिहाज से तो रेट क्या हो गया, जीरो। अब रेट जो है वो डिपेंड कर रहा होगा दूसरे रिएक्टेंट के ऊपर, ठीक है। और उसके लिहाज से अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो रिएक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। जैसे हमारे पास हम सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे वाटर ले लेते हैं रिएक्शन के अंदर, उसको हम ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, ठीक है। तो अब वाटर की कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं होती, जब कोई चीज है ही ज्यादा अमाउंट में तो उसके अंदर से अगर थोड़ी सी रिएक्ट भी हो गई है तो उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास क्या है कि वो उसकी कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहती है और रेट जो है वो दूसरे रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन इनकी काइनेटिक्स कौन सी होती है, मीन ये रेट किसका फॉलो करें, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ए प्लस बी गोज टू प्रोडक्ट, द रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस इज गिवन बाय डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए इंटू बी। रिएक्शन इज अ बाई मल्टीपल, अगर ये सिंपल रिएक्शन है, अगर आप लोगों को पहले वाले लेक्चर याद हो कि जो सिंपल रिएक्शन होते हैं, जो वन स्टेप रिएक्शन होते हैं, तो उनकी जो है मॉलिकुलरिटी और उसका ऑर्डर मोस्टली सेम होता है, ठीक है। अगर ये सिंपल रिएक्शन है तो उसका मतलब है इसमें दो मॉलिक्यूल हैं, एक ए और एक बी, तो ये लग रहा है ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। द प्रोसेस इज अपेरेंटली अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, कि होना इसको क्या चाहिए, हमें ऐसा लग रहा है कि सेकंड ऑर्डर है। If the concentration of one reactant, generally the solvent say B, is present in large excess, इनमें से कोई एक solvent के तौर पे act कर रहा है और उसकी amount जो है वो बहुत ज्यादा है and remain practically constant as compared to A, कि इसकी amount बहुत ज्यादा है और कोई constant ही रहती है, change नहीं होती है दूसरे reactant के लिहाज से। The rate of this reaction is then varies only with the concentration of A and the rate expression is reduced to, ठीक है। हमारे पास क्या होगा कि इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है बी की, एक बी कांस्टेंट है और एक के कांस्टेंट है, तो इनको दोनों को कांस्टेंट्स को मिला के हम लोग क्या कर सकते हैं, के प्राइम लिख सकते हैं यहाँ पे। यानी इस के प्राइम के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन किस किस की, बी की कंसंट्रेशन आ गई और साथ साथ ये जो कॉन्स्टेंट था ये आ गया। अब रेट जो है जस्ट और जस्ट डिपेंड करे ये हमारे पास ए पे, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जिसमें एक दूसरा मटेरियल है तो सही, लेकिन वो एक्चुअली उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें चेंज नहीं आता, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये ना ये कैम्स कैन से सही वो नहीं हुआ हुआ, लेकिन जस्ट मैं आपको ये बता देती हूँ, मैं आपको ये सारा जो है ना दोबारा सेंड कर दूंगी, ये नोट जो है ना दोबारा आप लोगों को सेंड कर दूंगी। अब ये जस्ट इसकी मैम, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के लिहाज से कैसे चेंज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज? रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहे होते हैं और जो प्रोडक्ट होती है वो इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, अब मेरे पास 10 मिनट से थोड़ा टाइम रह गया, तो मैं थोड़ा सा ना इसको जरा क्विकली करूंगी। हमारे पास क्या है, दी हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट और मिथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ अ मिनरल एसिड एज अ कैटलिस्ट इज एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये रिएक्शन है जिसमें मिनरल एसिड जैसे HCl होता है, ठीक है, वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है और वाटर प्रेजेंट है इसके साथ, तो वाटर की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होगी। अपेरेंटली हमें लग रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, यानी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें वाटर क्या है, कॉन्स्टेंट है और एसिड जो है वो एज वैसे ही कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, ये प्रोड्यूस कर रहा है एस्टिक एसिड और इथेनॉल, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी एसिटिक एसिड है, ये एसिड है और रिएक्शन के अंदर ऑलरेडी एसिड है, ठीक। अब दो एसिड आ गए हमारे पास रिएक्शन के अंदर। जब स्टार्ट ऑफ रिएक्शन है तो कैटलिस्ट तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास क्या, प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट वाला एसिड नहीं है। तो अब इस रिएक्शन को हम कैसे मेजर करते हैं, कि एसिड बेस्ड टाइटेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, कि एसिड बेस्ड टाइटेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर फर्ज करें हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं हम बेस। अब सब स्टार्ट पे हम रिएक्शन को मेजर करेंगे, जब स्टार्ट पे मेजर करेंगे तो जो भी एसिड की वैल्यू आएगी ना, कि कितना बेस यूज हुआ है उसके लिए, तो वो एसिड इस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होगी। अब स्टार्ट वाली वैल्यू फर्ज करें हमारे पास 10 आ गई, ठीक है, इसका मतलब है 10 ml जो है बेस यूज हुआ है इस एच को या एच पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये मिनरल एसिड को। लेकिन क्या हुआ, 10 मिनट के बाद स्टार्ट अगर हम रिएक्शन को लें तो उसमें के अंदर क्या होगा,
ये एसिटिक एसिड भी होगा और ये वाला एसिड भी प्रोड्यूस होगा. अब उसके लिए ज्यादा अमाउंट चाहिए होगी ना बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि अब दो एसिड आ गए हैं इसके अंदर. ठीक है, अब हमने क्या किया, किसी भी टाइम के ऊपर जो है बेस की कंसंट्रेशन मालूम की, बेस का वॉल्यूम देखा, तो अब ये ज्यादा हुआ. ठीक है, ज्यादा क्यों हुआ कि अब हमारे पास इनिशियली क्या था, इनिशियली तो सिर्फ एच पॉजिटिव था, मिनरल एसिड था, लेकिन अब इसके अंदर दूसरा भी आ गया. तो हम 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद क्या है, इलेक्शन मिक्सचर को लेते हैं, उसको टाइट्रेट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट. तो वहां पे क्या होता है, वी नॉट क्या होगा, जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम किसका आएगा कि जब वो सिर्फ और सिर्फ एच पॉजिटिव है. वी टी कब आएगा, जब इसके अंदर ये भी है और ये भी है, ऐसा ही है ना, किसी भी टाइम के ऊपर. और वी इन्फिनिट निकाल लेंगे हम, कि वी इन्फिनिट किसके रिलेट कर रहा होता है, कि जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उतने हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा हो रही होगी. तो ये उसी तरह हम जैसे पीछे देखा, हम उसी तरह वैल्यूज निकाल लेते हैं. तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं कि ये इक्वेशन है, वी इन्फिनिट की वैल्यू आ गई माइनस वी नॉट और डिवाइडेड बाई वी इन्फिनिट माइनस वी टी की वैल्यू आती है. और यहाँ से जस्ट उन्होंने वैल्यूज दी हुई है, और वैल्यू पुट करके अगर हमारे पास क्या है, उन्होंने आपको दिखाया हुआ है कि डिफरेंट वैल्यूज पे पुट करोगे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाती है, अगर के की वैल्यू कांस्टेंट आ गई है तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या हो जाता है कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर एक्शन आ जाएगा. ठीक है, काइनेटिक्स तो वो फर्स्ट ऑर्डर की ही फॉलो कर रहा है. इसी तरह एग्जाम्पल इन्होंने एक और दी हुई है कि सुक्रोज है, उसकी सुक्रोज जो है वो हमारे पास लाइट को ना रोटेट करता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं हमारे पास. तो वो क्या, जब इसकी डीकम्पोजिशन होती है या हाइड्रोलिसिस होती है तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्रोड्यूस करता है. ग्लूकोज क्या है, लाइट को राइट वाली साइड पे मूव करता है, फ्रुक्टोज जो है उसको लेफ्ट वाली साइड पे मूव करता है. तो वहां पे भी उन्होंने यही कहा है कि ये अगर इसके इनिशियल जैसे हम कंसंट्रेशन ले रहे थे, तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास सुक्रोज की कितनी कंसंट्रेशन थी, और ये हमारे पास ए माइनस एक्स बताएगा कितना हमारे पास जो है सुक्रोज जो है वो डीकम्पोज हुआ और कितना हमारे पास बाकी रह गया. तो यहाँ भी जस्ट हम इक्वेशन वही पुट करके वैल्यूज निकाल लेते हैं. ठीक है, जस्ट ये आप लोगों ने इसको पढ़ना है और इसको समझना है. मैं अब इसको करती हूँ, जितने भी मिनट रह गए हैं तो आप लोग जो है ना उतने मिनट में ये कम्प्लीट हो जाता है. लेकिन आप लोगों ने अगर ये रह गया इसके अंदर से कोई एक दो पॉइंट, तो आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स पढ़ लेनी है. ठीक है, ये मैं दोबारा सेंड करूंगी, बहुत डीम है, ये नजर से ही नहीं आ रहा. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल एसिड रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट द रिएक्शन. रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, मिनरल एसिड कैटलिस्ट है, उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती. फर्दर वाटर इज प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट, लार्ज एक्सेस में है, तो ठीक है, हेंस इस कंसंट्रेशन रिमेन द कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा. एंड द रिएक्शन ऑब्वियसली बिकम फर्स्ट ऑर्डर, कि वो जस्ट इस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर है. द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर ओनली, कि इस पे डिपेंड कर रहा है. द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय रिमूविंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एंड टाइट्रेटिंग अगेंस्ट स्टैंडर्ड अल्कली आफ्टर डेफिनेट टाइम इंटरवल, के कुछ टाइम के बाद निकालते रहेंगे. सिंस फ्री एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, की ये जो एसिटिक एसिड है ये प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन के अंदर. ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अल्कली यूज इज इक्वलन टू द टोटल क्वान्टिटी ऑफ मिनरल एसिड एंड द एसिटिक एसिड प्रोड्यूस ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, कि किसी भी टाइम के ऊपर जो है वॉल्यूम कितना यूज हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि एसिटिक एसिड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो मिनरल एसिड था जैसे HCl होता है तो वो कितना रिएक्शन के अंदर मौजूद है. अब स्टार्ट में हमारे पास क्या है, टू स्टार्ट विद एट टाइम जीरो द वॉल्यूम ऑफ अल्कली वी नॉट इज इक्वल टू द मिनरल एसिड अलोन, कि पहले क्या है, प्रोडक्ट तो नहीं है, पहले तो सिर्फ एच पॉजिटिव है, तो ये इसके इक्वल आएगी. ठीक है, हमारे पास वी नॉट आफ्टर टाइम टी, वी टी इज द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड अल्कली यूज देन, कि किसी भी टाइम पे ये यूज हुआ, देन वी टी माइनस वी नॉट इज द मेजर ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म, कि हमने सिर्फ एसिटिक एसिड का निकालना है. तो इसका मतलब है जो इनिशियल पे वैल्यू आई थी उसमें से जो फाइनल वाली किसी भी टाइम के ऊपर वैल्यू आ रही है, हम इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे. आपको पता है जो किसी टाइम पे आएगी वो क्यों ज्यादा आएगी, क्योंकि अब दोनों, पहले एक चीज थी, अब दो एसिड हो गए हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा आएगा. फर्ज करिए 20 ml आता है और पहले हमारे पास क्या था, 10 ml, तो हम 20 में से 10 माइनस करेंगे तो हमें जो है ना वो एक्चुअली एसिटिक एसिड की अमाउंट जो है वो पता चल जाएगी. अब हमारे पास क्या, इफ वी नॉट इज द वॉल्यूम, नहीं आ रही मैम. अच्छा अब आ रही है, इफ वी नॉट, यस मैम, ओके, इफ वी नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ अल्कली यूज्ड एट द कंप्लीशन, वी इनफिनिट आई है. ठीक है,
जब कंप्लीशन होगा तो वी इन्फिनिट आ गया. देन वी इन्फिनिट माइनस वी नॉट इज दी प्रोपोर्शन टू ए, कि वी इन्फिनिट माइनस वी नॉट यानी इनिशियल माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, ए से रिलेटेड है. मीन हमें पता चल गया कि ए किसके इक्वल है, ए हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी नॉट माइनस वी के, वी इन्फिनिट माइनस वी नॉट के, जो कि हमने ए की जगह पे वैल्यू पुट कर दी. ठीक है, अब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, अब हमारे पास किसी भी टाइम के ऊपर भी वैल्यू होती है ना ए माइनस एक्स, हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमें पता चल गई वी इन्फिनिट माइनस वी नॉट, और किसी भी टाइम के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू है वी टी माइनस वी नॉट. जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और v नॉट जो उसकी इनिशियल वैल्यू आ रही है वो. ठीक है, अब इनिशियल और ये जो बिल्कुल कंप्लीशन पे आ रहा है उसको हम माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास a से रिलेट करी है. ठीक, अब हमने क्या किया, a माइनस एक्स निकालना है हमारे पास, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है v इनफिनिटी माइनस v नॉट, उसे माइनस करने किसी भी टाइम के ऊपर जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी थी v t माइनस v नॉट. ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास v नॉट और v नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसी भी टाइम पे वैल्यू क्या आ गई v इनफिनिट माइनस t. तो a माइनस x का मतलब क्या है कि ये v इनफिनिट माइनस t, तो हम a माइनस x हो रही है की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ गया a की वैल्यू हमारे पास क्या थी v इनफिनिट माइनस v नॉट, और a माइनस x की जगह पे क्या लिखेंगे हम v इनफिनिट माइनस v t, जैसे हमने पिछले वाले रिएक्शन के लिए किया है वही है, जस्ट उन्होंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये कैसे आया. तो हमारे पास क्या कर रहे हैं कि ये वैल्यूज करेंगे, ये हमारे पास k की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आ जाती है, जस्ट ये उन्होंने आपको एग्जांपल दिए हैं ऐसे. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल उन्होंने हाइड्रोलिसिस ऑफ और इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज दिया हुआ है, कि सुक्रोज जो हमारे पास शुगर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, जिसके हमारे पास क्या है ये हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ओबे कर रही है, ताकि मिनरल एसिड है वो कैटलिस्ट है, वाटर क्या है हमारे पास वो कांस्टेंट आ गया. ठीक है, और ये सुक्रोज है ग्लूकोज इसमें प्रोड्यूस होता है, इसकी डिकम्पोजिशन टाइम खत्म हो गया है, लेकिन आप लोगों के सी आर जी आर आप लोगों के अटेंडेंस को नोट कर लें. और यहाँ पे भी क्या है कि एक जो है लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट करता है और दूसरा जो है लाइट को राइट साइड पर रोटेट कर रहा है, और इनकी इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन निकाल के हम क्या कर सकते हैं ये वैल्यूज निकाल लेते हैं. और अगर के की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ओबे कर रहा है. मैम हम इनकी हाइड्रोलिसिस क्यों करवाते हैं, तो हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं ना, कि अब हमें प्रोडक्ट का पता चलना चाहिए कि इसमें से देखो कि कोई चीज डीकम्पोज होती है, कुछ चीजें आपस में कंबाइन होती है, कुछ की डीकम्पोजिशन जब होती है तो किसकी बेस पे, अगर सॉल्यूशन के अंदर हो रही है तो हम सॉल्वेंट कौन सा